हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल साइंस एकेडमी। आई एम रिम्पी पांडे। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। आज का टॉपिक है यूपीपीएससी का, जीआईसी का, 12th का पेपर सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर का। 70 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है, पार्ट वन पार्ट टू, ये पार्ट थ्री है। 71 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आया था जीआईसी के पेपर में। 71 क्वेश्चन है। डाइट रिकमेंडेड इन डायरिया इज, अतिसार में जो आहार प्रस्तावित है वह है कौन सा है? डाइट रिकमेंडेड इन डायरिया की इसमें ऑप्शन में पूछ रहा है कब रेशी युक्त लेना चाहिए, ज्यादा रेशी युक्त लेना चाहिए, प्रोटीन में भरपूर लेना चाहिए, वसा में भरपूर लेना चाहिए। यह है कम रेशी युक्त। अतिसार जब 10 होता है तो उसमें जो आहार लिया जाता है कम रेशी युक्त पदार्थ लिया जाता है, लो इन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए, डाटा शुड बी इंक्लूडेड इन अ ओबीज पर्सन डाइट। एक मोटे व्यक्ति में कैसे, जो आप ऑप्शन में गार्लिक लहसुन ब्रेड, बनाना केले की पुडिंग, या मैक्रोनी सलाद, या वेजिटेबल का सलाद सब्जी। तो जो मोटे व्यक्ति के लिए आहार में क्या शामिल किया जाना, जितना आप हाई फाइबर, हाई रेशे वाले, सबसे ज्यादा रेशे वाले फूड को इन्वॉल्व कर पाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा। मैक्रोनी भी ऐसा पार्ट होता है, बनाना भी मोटे व्यक्ति के लिए नहीं होता है, गार्लिक लहसुन ब्रेड है। लेकिन ये अगर डिजीज उजीज के लिए कोई पूछा गया होता है तो गार्लिक ब्रेड कहते हैं, ब्रेड में भी ग्लूटेन होता है और मोटे व्यक्ति के लिए वो नहीं सही होता है। तो जो यहाँ ऑप्शन में है, वेजिटेबल सब्जी, सब्जियों का सलाद। चुकंदर में पाए जाने वाला वर्णक है, पिगमेंट प्रेजेंट इन बीट रूट। बीट रूट में चुकंदर में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है बीटालिन। और क्या ज्यादा, और चार ऑप्शन है, क्या है? एंथोजेंथिन। एंथोजेंथिन किस में प्रेजेंट होता है? ये थोड़ा जो वो ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं जो थोड़ा येलो और क्रीम कलर के होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लेवोनॉल का है, ये फ्लेवोनाइड जिसमें प्रेजेंट होता है वो एंथोजेंथिन होते हैं। और एग्जाम्पल में बताऊँ कौन सा, कैलीफ्लावर जो थोड़ा क्रीम और व्हाइट कलर का करके होता है। नेक्स्ट है लाइकोपेन। लाइकोपेन किस में होता है? ये तो आई थिंक सबको पता होगा, टमाटर में होता है, टोमेटो में। क्लोरोफिल उसमें होता है जितने ग्रीन कलर के आपके वेजिटेबल्स होते हैं, कोई भी ग्रीन कलर का जो होगा वो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। नेक्स्ट है दूध पाश्चरीकरण का HTST तरीका करा जाता है। HTST मेथड ऑफ मिल्क पाश्चराइजेशन इज कैरीड एट, कितने मिनट के लिए लिया जाता है ये पाश्चराइजेशन जो होता है? HTST क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसका ये यूज होता है मिल्क को पाश्चराइजेशन करने में। क्या करते हैं दूध को, सबसे पहले क्या करते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस तक, 72 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं या 145 फारेनहाइट पे, क्या करते हैं इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उबालते हैं। कितने देर के लिए करते हैं? 15 सेकंड के लिए करते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए दूध का पाउच HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ब्राउनिंग ऑफ चपाती या क्लासिक एग्जाम्पल आप जिलेटनाइजेशन का है, कैरेमलाइजेशन का है, डिस्ट्रिनाइजेशन का है, या फर्मेंटेशन का। देखिए मैंने अभी क्वेश्चन इसके पहले पता नहीं, इसी में मैंने वीडियो जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में क्वेश्चन आया था, जब मैं ऑप्शन में समझा रही थी जिलेटनाइजेशन डिस्ट्रिनाइजेशन, तो वहां पर मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि डिस्ट्रिनाइजेशन किसका एग्जाम्पल है, ब्रेड का था। क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं, क्योंकि क्या सूखे तरीके विधि से इसको बना रहे होते हैं, क्योंकि उसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे जो डिस्ट्रिनाइजेशन बताया था मैंने एग्जांपल में, ब्राउनिंग आप चपाती क्लासिक एग्जांपल आप चपाती को पकड़, उसका भूरा होना एक डिस्ट्रिनाइजेशन का। यहाँ पे कैरामेलाइजेशन नहीं होगा, कैरामेलाइजेशन भूरा होना तो होता है, लेकिन कैरामेलाइजेशन तब होता है जब आपका शुगर शुगर इन्वॉल्व होता है, एक क्रिस्टल टाइप का बन जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी में भी वही था डेस्टिनाइजेशन। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है एमाइलेज। माल्टोज किसे कहते हैं? माल्टेज होता है, माल्टोज वाले प्रोडक्ट में पाया जाता है। सुक्रेज आप शुगर केन गन्ने में पाया जाता है। माल्टेज किसमें होता है? कॉर्न
क्या बोलते हैं, कॉर्न फूड है जो भी है, लैक्टेज किसमें होता है, मिल्क में होता है। बेस्ट सोर्स ऑफ म्यूफाइज, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, वसा संतृप्त कुछ करके बोलते हैं, वसा संतृप्त एसिड, जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, हिंदी हमें भी नहीं जाता। सबसे अच्छा स्रोत है सोया तेल, मूंगफली तेल, नारियल तेल या मकई का। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें कि म्यूफा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड किस में होता है? ग्राउंड नट में होता है, पीनट भी बोलते हैं, या मूंगफली के तेल में पाया जाता है। सोया तेल में क्या मिलता है? म्यूफा मिलता है या प्यूफा मिलता है? सोया तेल में मिलता है प्यूफा मिलता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और नारियल में क्या मिलता है? नारियल में मिलता है सेचुरेटेड फैटी एसिड। मकई के तेल में क्या मिलता है? कॉर्न ऑयल में मिलता है मोनो अनस नहीं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। म्यूफा सिर्फ इसमें इसमें जो ऑप्शन में है ग्राउंडनट ऑयल में है। कॉर्न में जो होता है प्यूफा होता है, कोकोनट में एसपीए होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सोया ऑयल में क्या होता है? प्यूफा होता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। हिंदी देख लीजिएगा पॉली म्यूफा का, तो दोनों समझ में आ जाएगा, हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए सस्ता जिंक की आरडीए प्रस्तावित आहारिका मात्रा है। ऐसे में 2010 के आरडीए फॉर जिंक एंड एडल्ट मैन इज कितने ग्राम है? 12 मिलीग्राम है। 12 मिलीग्राम जो है आईसीएमआर ने आरडीए लेने के लिए जिंक कितना लेना चाहिए, हमारे आहार की मात्रा में कितना होना चाहिए? 12 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण रोधी है, इट इज एन ऑक्सीडेंट। इसमें कौन कौन थायामीन है या विटामिन B12 है, विटामिन ई है, विटामिन के है, इसमें कौन का आसन है? विटामिन ई। विटामिन ई एंड ए ए और ई e क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन जो है ए ई e क्या है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। नेक्स्ट है कॉर्नियल, और ये कॉर्नियल जेरोसिस इज अ क्लिनिकल साइन ऑफ डिफिशियंसी। कॉर्नियल जीरोसिस सूखापन, आँख में क्या होता है जब ड्राइनेस आ जाता है, सूख जाता है, की कमी से एक रोग विषयक चिन्ह होता है, कि इसकी कमी से होता है कॉर्नियल जीरोसिस। ये होता है विटामिन ए की कमी से, आँख की बीमारी है ये, तो किसकी कमी से कॉर्नियल जेरोसिस किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होती है, आँख की बीमारी है। द मोस्ट लाइबल विटामिन इज, ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने वाला विटामिन है। जब ताप देते हैं तो किस किस विटामिन में सबसे ज्यादा क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है? विटामिन सी। विटामिन सी क्यों है? विटामिन सी क्या होता है? ताप की जो उपस्थिति, जब ताप में विटामिन सी क्या होता है, जब उसमें आग देते हैं, जब भी हीट ऊर्जा लगती है, तो क्या करता है जो विटामिन सी होता है, वो जो भी सब्जी के साथ क्या रहता है, हटो से लीच हो जाता है, उसी के साथ क्या होता है, निकल जाता है, पानी के साथ निकल जाता है। विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होता है वो पानी के साथ क्या होता है, लीच कर जाता है, मतलब लीक करके निकल जाता है, मतलब लॉस हो जाता है उसका। तो यहाँ पे और दोनों एडक ए डी ई के, तो बीटा बीटा का रूटीन हाँ था नहीं यहाँ पे, विटामिन पूछा था, तो विटामिन ए ई नहीं है इसमें। ऑप्शन कौन सा सही है? सबसे ताप में जब ताप देते हैं तो परिवर्तन होता है, किसमें होता है? विटामिन सी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड, डॉट डॉट का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, जीवाणु, फफूंदी, खमीर या मून, किस चीज का यूज करते हैं? यीस्ट का यूज करते हैं, खमीर का यूज करते हैं, बैक्टीरिया फफूंदी मोल्ड का नहीं यूज करते हैं। खमीर ईस्ट डाल देते हैं ना भटूरा टूरा बनाने के लिए, ब्रेड को फुलाने के लिए, या डबल रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए उसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं, खमीरीकरण करने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्प इज मेड फ्रॉम, टेम्प जो बना होता है किससे बना होता है? चिकपिया, चिकपिया बोलते हैं यहाँ हिंदी, चना से, सोयाबीन से, राजमा से या लोबिया से। टेम्पो चना सुबह टेम्पे बना, टेम्पे तो ऐसा कोई फूड तो होता नहीं है मेरे यहाँ। अगर यहाँ पे ऑप्शन में मैं जाऊँ, सोयाबीन दिख रहा है, किडनी बीन्स दिख रहा है, लोबिया, तो ये जो एक टेफू होता है, अगर ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है, टेम्पे कोई ऐसा डिश नहीं है जो बनता है, मुझे तो खैर नहीं पता, आप लोग देखिएगा, अगर ये टेफू है तो टेफू किससे बना होता है? सोयाबीन से बना होता है।
जहां तक ये टेपू है मुझे लगता है मिसप्रिंट ना हो गया टेपू की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट्रेंट फाउंड इन चिली पाउडर इज, चिली पाउडर में क्या, मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व तो क्या है, वो है ईड का पाउडर, रेड कलर का ये भी होता है, तो मिर्ची पाउडर में क्या करते हैं इसको मिला देते हैं, टैमरिंड, इमली, क्या है यहाँ पे, इमली पाउडर, चाक, चिकोरी, ये नहीं मिलाते, ईद का पाउडर मिलाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, केसारी दाल इज एडेड टू एज एन एडल्ट्रेंट, केसारी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में मिलाया जाता है, अरहर दाल, मैदा, दलिया या मूंगफली, किस में मिलाया जाता है केसारी दाल, अरहर दाल में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिल्क इज एडल्ट्रेटेड विद, दूध में मिलावट की जाती है, किस चीज की मिलावट है, अर्गमोनी आयल, चाक पाउडर, स्टार्च या टालकम पाउडर, तो किसका दूध में मिलावट करते हैं, स्टार्च या माड़ की मिलावट करते हैं, चाक पाउडर, अर्जिमोन आयल, टेलकम पाउडर, इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन HCl एसिड इज एडेड विद शुगर इन मेल्टेड घी द कलर चेंज इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ वनस्पति घी, जब पिघलते हुए घी में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग डॉट डॉट हो जाए, तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है या नहीं है। अच्छा, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड शक्कर के साथ मिलाते हैं, दूध शक्कर के साथ मिलाते हैं, घी में शक्कर साथ मिलाते हैं, तो उसका रंग किस कलर में होगा, तो ये पता चलेगा घी में वनस्पति घी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है, नीला, गहरा लाल, हरा या काला, तो इसमें पिंक, पिंक या रेड कलर आता है तो क्या हो जाता है, तब हमको पता चलता है कि वो घी में वनस्पति घी मिलाया गया है या नहीं मिला, वेजिटेबल मतलब वनस्पति आयल मिला, घी मिलाया गया, तो कहाँ इसमें क्या नीला, हरा, ये रहा गहरा लाल, अगर रेड कलर का आ जाता है, पिंक भी है, पिंक भी ऑप्शन रहता है, गुलाबी भी, तो गुलाबी भी है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, शुगर, थोड़ा सा शुगर डाल देते हैं घी में, तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें वनस्पति घी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है, क्योंकि हम ये ट्राई भी, ये प्रैक्टिकल भी करिएगा घर पे, अगर ऐसे जब भी घी आए तो देखिएगा कि उसमें घी में ओरिजिनल घी है या मिलावटी घी है, तो उसमें वनस्पति घी अलग से मिलाया गया कि नहीं है, तो वही करना है, वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा नहीं देखिएगा, मतलब अगर अवेलेबल होता है कहीं लैब में तो ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ वाटर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 85, कितना होता है, 60 से 70%, 60 से 70% जो होता है ह्यूमन बॉडी के होता है, पानी से ही बना, मतलब उसके बॉडी में पानी ही रहता है, अब ये हर जगह आपके ब्लड में है, लंग्स में है, हार्ट में है, हर जगह मतलब पानी की मात्रा, अब ब्लड में जैसे कि प्लाज्मा में, जब प्लाज्मा में रहता है तो ब्लड का, ब्लड मतलब ब्लड में वाटर ज्यादा रहता है प्लाज्मा में, तो हर जगह पानी की मात्रा हर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अबाउट डॉट डॉट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इन एज इंडिविजुअल नॉर्मल डाइट, एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थिति कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग ऊर्जा प्रदान करता है, कितना जो एक कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करता है, ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन में आया था, पूछा प्रोटीन का उसने पूछा था, तो वहाँ ऑप्शन में भी था, तो मैंने बताया था कितना परसेंटेज, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में है, चाहे फर्स्ट में और सेकेंड में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में बताया कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंटेज होता है, प्रोटीन का कितना होता है और वसा का कितना होता है, तो यहाँ पे आप लोग आप गेस करिएगा कि देखिए आप लोगों ने वीडियो सही से देखा या नहीं देखा है, वो लेखन करिएगा अपने आप, कितना बताया था, 60 से 65% क्या होता है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन सा है, मिड डे मील प्रोग्राम, न्यूट्रिशियस मील प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम या ICDS, कौन सा है कि समेकित बाल विकास है या सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम या मिड डे मील है, न्यूट्रिशन, ये है मिड डे मील योजना, मिड डे मील कार्यक्रम है, मध्यान्ह भोजन तो जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, ये आया कब था, ये आया था 1995 में आया था ये मिड डे मील प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक यूज टू मीजर फिजिकल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी,
मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक क्या होती है? एंथ्रोपोमेट्री, क्लिनिकल विधि, जैव रासायनिक विधि, आहारीय सर्वेक्षण। ये जो बॉडी मेजरमेंट का डायमेंशन का है, ये यहाँ से क्वेश्चन भी तुम्हारे जो ऑप्शन है यहाँ से भी आते हैं। ये जो इसमें ऑप्शन है, ये एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं मानव विधि, जो मनुष्य के सारे आयामों को मापने की तकनीक होती है। क्लिनिकल मेथड क्या होता है? ये आपका मेडिकल जब चेकअप कराते हैं तो वो होता है। बायोकेमिकल में होता है कि जब आपके बॉडी, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं तो क्या होता है, आपका बायोकेमिकल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये होता है आपका बायोकेमिकल मेथड। डायटरी सर्वे तो पता ही होगा, आहार का सर्वे चेक करते हैं 24 आवर पहले जो करते हैं कि आपने क्या खाया पिया था, डाइट सर्वे करते हैं। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए। कंज्यूमर कंप्लेन कैन बी डेल्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, शुड बी कवर द अमाउंट, कितना रुपए होने चाहिए कि जब हम किस पे करते हैं, जिला स्तर पे कर रहे हैं, ये है अप टू 20 लाख। ये कंज्यूमर कंप्लेन करते हैं, जो कंज्यूमर उपभोक्ता का है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा है, ये आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता संरक्षण नियम के तहत आते ये आया था 1986 से 1986 में आया था, उपभोक्ता संरक्षण नियम आया था। तो इसका जो कंप्लेन फिल करने का था कि कितने रुपए हमारे होंगे, कितने रुपए का हमें जो नुकसान हुआ है, तो हम किस कोर्ट में हमको जाना चाहिए, मान लीजिए हमारा 1 करोड़ का है तो हमें किस कोर्ट में जाना चाहिए, तो आपका तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में यहाँ या जिला स्तर पे तो काम उसका नहीं होगा, तो कितने किस रुपए में होंगे, तो कहाँ किस कोर्ट में जाना होता है हमको। तो अगर ये बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेशल फोरम, DCDRF, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेशल फोरम। इसका मतलब था कि अगर हमारे जो पैसा है जिसका मूल्य 20 लाख के ऊपर है, यही क्वेश्चन था यहाँ, 20 लाख के ऊपर है या 20 लाख तक है, तो हमें क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हम जिला स्तर पे जाएंगे। अगर लेकिन जो पैसे की वैल्यू है वो 20 लाख के ऊपर है, तो 20 लाख के अगर ऊपर है तो हम जाते हैं स्टेट पे, राज्य स्तर पे उसका निवारण करते हैं, तो या अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज कराते हैं। अगर जो वैल्यू होती है 20 लाख के ऊपर होती है, 20 लाख के ऊपर होती है, 1 करोड़ के अंदर में होती है, तब हम जाते हैं कहाँ पे करते हैं इसका स्टेट, तो सेंट्रल लेवल पे करते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय धन संबंधी संस्था नहीं है? बैंक, LIC, जीवन बीमा निगम, उधार लेने वाला, सहकारी समिति। इसमें तो समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल, फॉलो इज नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिती समिति, क्या ये क्या होता है, सहकारी समिति क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो सहकारी समिति जो होती है एक संस्था होती है, जबकि मनी लेंडर जो होता है, उधार देने वाला होता है, इसकी कोई संस्था नहीं। LIC भी आपकी संस्था है, बैंक भी आपकी संस्था है, और सहकारी समिति भी जो मतलब जो सोशल लोग आपके जुड़ते हैं, तो कोई सोशल प्रॉब्लम हो गई या सामाजिक समस्या हो गई या आर्थिक समस्या हो गई, तो उसको उसके ऊपर चर्चा करते हैं, एक गोल बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। तो ये भी क्या है, सहकारी समिति भी एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव हाइट ऑफ द रूम वन शुड यूज, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। दीवारों की खड़ी लाइन यूज करनी चाहिए, क्षितिज के समांतर धारियां, प्रगामी रंग, एडवांसिंग कलर, या लंबे पर्दे। अगर कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी है तो किस कलर का यू, दीवारों पे खड़ी वर्टिकल लाइन ऑन द वॉल, ये कहते हैं जब खड़ी, ये इसका काम ही होता है, वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइनें जो होती हैं, इसका इल्यूजन जो एक भ्रम पैदा करता है, ये किस चीज का भ्रम पैदा इल्यूजन करता है कि इंसान जब ड्रेस में भी बनाते हैं तो जब वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, जब इंसान को क्या लंबा दिखना होता है या लंबी चीजें दिखानी होती हैं, तो किसमें क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। लॉन्ग कर्टन आप कितने वाल पे, थोड़ी कितने कितना वाल लंबे पर्दे आप हैंग कर दोगे। एडवांसिंग कलर क्या होता है, एडवांसिंग कलर होता है वार्म कलर बोलते हैं, एडवांसिंग कलर को ये आपका गर्म गर्म कलर होता है, येलो हो गया, रेड हो गया,
ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है, एडवांसिंग कलर है। और ये है नेक्स्ट है क्षितिज के सम, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर व्हिच इज रिप्रोड्यूस्ड एंड सेंट विद सेम इंफॉर्मेशन टू मेनी पीपल, जिस प्रति की प्रतिलिपियां बनाई जा सके और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके उसे कहते हैं पैम्पलेट, लीफलेट, निजी पत्र, सर्कुलर। जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सके, क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा, क्या है लीफलेट। लीफलेट में क्या होता है, ये स्मॉल सीट मतलब छोटी सी सीट होती है प्रिंटेड पेपर की, और इसमें क्या होता है छोटे थोड़ा सा मैसेज क्या होता है, बहुत मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन देती है तुरंत क्या होता है थोड़े से मैसेज में कंसाइज वे में इसको क्या करते हैं दे सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं फोटो भी कॉपी करा सकते हैं, कुछ भी आप करा के मतलब प्रतिलिपियाँ बना के मतलब जो इंफॉर्मेशन है सारे व्यक्तियों तक पहुँचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कम्युनिकेशन द अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड, संचार प्रक्रिया में संदेश को समझना और ग्रहण करना क्या कहलाता है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, परसीविंग एंड कन्वेइंग। डिकोडिंग क्या होता है, कूट अनुवाद क्या होता है, डिकोडिंग में क्या होता है, इनकोडिंग जो डिकोडिंग यहाँ एक चीज समझना, दो में कंफ्यूजन होता है यहाँ पे चाहे इनकोडिंग में या डिकोडिंग में पता था। संचार प्रक्रिया में संदेश को समझना और ग्रहण करना, बात यहाँ पे डिक्टेट नहीं कर रहा है, किसी चीज को बता नहीं रहा है, अगर इनकोड कर अगर एक चीज समझ लेना, ग्रहण करने की बात आ रही है, समझने की बात आ रही है, तो वो कौन कर रहा है, वो रिसीवर करता है जो वो चीज को समझता है। इनकम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग कम्प्रीहेंशन मैसेज इज कॉल्ड, संचार संदेश को समझना ग्रहण करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिकोडिंग। जो ग्रहणकर्ता होता है वो ही क्या करता है, डिकोड करता है मतलब चीज़ों को समझता है। इनकोडिंग कौन करता है, सोर्सेस करता है जो संचार प्रक्रिया को शुरुआत कर रहा है या संचार प्रक्रिया को दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिकोडिंग सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजायरेबल लेवल ऑफ द टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछा जाता है, इस बार इसको रट ही लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन में ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, ये होता है लेस, टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल, ये डिजायरेबल लेवल पूछा था यहाँ पे, रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल की वांछित स्तर है वो कितना होता है 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए, और अगर ये जब आप पढ़ ये तो होगा डिजायरेबल मतलब कि इतना अगर इतना है 200 से कम है तो आपका वांछित है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक तीन क्वेश्चन इसमें से आता है, एक पूछा जाता है डिजायरेबल, दूसरा पूछा जाता है बॉर्डर लाइन पे कौन है, सीमा पे कौन है, कि मतलब अगर अब इधर से उधर हुआ तो आप हाई के रिस्क में चले जाएंगे, तो 239 इसमें है क्या 200 to 239 ये रहा 200 से 240 मिलीग्राम पर डीएल होता है, तो ये वाला जो है ये बॉर्डर लाइन है कि ये बॉर्डर लाइन का है, अगर 240 से 300 मिलीग्राम तक पहुंच जाता है 240 से तो क्या जाता है हाई लेवल का हो मतलब हाई लेवल हो जाता है, हाई लेवल टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है, याद रखिएगा फिर कहीं भी ये जो मैंने ये ऑप्शन में बताया है कहीं और क्वेश्चन में मिल सकता है, जो ऑप्शन के साथ समझाते हैं क्वेश्चन को उसको भी बहुत अच्छे से समझा के कीजिएगा क्योंकि आगे चल के वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं, अभी आपने ही देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बताया था वो अभी आगे क्वेश्चन में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज 98 क्वेश्चन है इज अ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, मधुमेह का रोग विषय एक लक्षण है क्या है, ओलिगोरिया, प्रोटीनूरिया, हेमेटूरिया, पॉलीयूरिया, क्या है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है बहुमूत्रता, जो शुगर के साथ ब्लड के शुगर के साथ क्या होता है बहुमूत्र मतलब वो जब हम यूरिन करते हैं तो उसमें जब डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसमें क्या होता है यूरिया भी उसके साथ निकलने लगती है,
उसके यूरिन में यूरिया भी आने लगती है। हिंदी में ऐसे तो इंग्लिश में अगर आ गया तो नहीं, देखो यहाँ पे समझ, बहुत रक्त युक्त मात्रा ही हिमेटोरिया में क्या होता है, रक्त आने मतलब यूरिन में क्या होता है, मूत्र में क्या होता है, रक्त आने लगता है। प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन युक्त होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन यूरिया में मूत्र के साथ क्या होता है, प्रोटीन भी निकलने लगता है। अलगूरिया भी क्या होता है, अलमूत्र मात्रा मतलब जो यूरिन होती है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अलगूरिया, प्रोटोनूरिया, हेमेटोनूरिया, ये सारे सिम्टम्स है। लेकिन एक सेकेंड, इसमें पूछा था मधुमेह का रोग विषय लक्षण, डाटा जी क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, नहीं सही है, ऑप्शन सही है, पॉलीयूरिया बहुमूत्रता है क्लिनिकल डायबिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा इज अ टूल यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ द राइट एम्प्लॉइज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, साधन टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, वर्क शेड्यूल, कार्य वर्णन, कार्य विश्लेषण, कार्य विनिर्देशन, कार्य सारणी। कौन सा ऐसा साधन है जो साधन टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा टूल फॉर सिलेक्शन ऑफ द राइट एम्प्लॉय फॉर पार्टिकुलर, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है एक उचित कर्मचारी के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए अगर जब चयन किया जा रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन का करेंगे, कार्य विनिर्देशन का करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विश्लेषण का कोई बात हो नहीं रही है, क्योंकि चयन की बात हो रही है। जॉब डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि स्पेसिफाइड मतलब ये इनको प्रायोरिटी दी जा रही है कि मतलब इन्हीं के द्वारा क्या मतलब, अगर जो ये जॉब स्पेसिफिकेशन जैसे ना डिजायरेबल, मान ली कोई फार्म आप भरते हैं तो जो डिजायरेबल बीएड के लिए मार्क्स दे दिए जाते हैं कि वो डिजायरेबल है, उनको मार्क्स ज्यादा दिए जाएंगे, एलिजिबिलिटी तो दे देते हैं लेकिन उनको मार्क्स क्या, तो वैसे इसमें भी जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट, कितना होता है, 70 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml, 110 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml, 120 to 130 मिलीग्राम पर 100 ml, या लेस देन 130 मिलीग्राम पर 100 ml। खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य संघनता क्या बोलते हैं, संघनता कंसंट्रेशन होती है, ये होती है, दो 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 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, एक नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज पूछा है, और नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज पूछा जाता है, और एक फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है। तो इसमें जो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन होता है वो 70 से 110 मिलीग्राम होता है, और फास्टिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन की बात पूछा है, और जो पूछा जाता है एक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, फास्टिंग ग्लूकोज सामान्य संघनता कंसंट्रेशन, अगर जब कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो 70 से 110 मिलीग्राम होता है, लेकिन जब पूछता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग खून क्या बोलेंगे, फास्टिंग खून ग्लूकोज आएगा, तो ये इसकी जो मात्रा होती है वो 100 से 125 होती है, लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है वो 100 से 125 मिलीग्राम पर डीएल होता है, और ये जो आपका नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन होता है ब्लड का वो 70 से 110 होता है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में 101 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन और बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।